नहीं, काफ़ी दुखद है। तो जैसी घटना ये वैसी हमने यहाँ पूछताछ भी की है, वहाँ के सब प्रशासन के लोग लगे हुए हैं, देख रहे हैं कि आखिर क्यों ये सुसाइड कर लिया है 5। तो ये तो दुखद है ही, परिवार का लोग ही है और जिस तरह से हो रहा सब लोग लगे हुए हैं इसमें, देख रहे हैं कि आखिर क्या कारण है कि इसको क्यों सुसाइड कर लिया। तो ये खबर जैसे ही आई वैसे ही दुखद था, हमने तुरंत पूछा, तभी लोग देख रहे हैं कर रहे हैं कि आखिर क्या मामला है। हमको तो ऐसा नहीं लगता, क्या NDA के पार्ट हैं, ऐसा तो नहीं। ये कल 48 साल पूरे हो गए संपूर्ण क्रांति, अब तक अब ये 49वां साल चल रहा है, अगले से 50वां शुरू हो जाएगा, गोल्डन जुबली ईयर होगा। तो आपका आप पर उनका आशीर्वाद रहा कि नेतृत्व में आप छात्र, तो कल भी हमने बता दिया है। तो जो संपूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर जो 1974 में मीटिंग हो रही थी गांधी मैदान में, हम लोग सब तो उसी में थे ना, उनकी सभा में कितनी बड़ी संख्या में लोग थे, कितनी बड़ी संख्या में यूथ थे, और सब लोग हम लोग शामिल थे, हम लोग तो कमेटी में भी थे, तो पूरे तौर पर हम लोग थे मौजूद, और एक एक बात उनकी जो सुने क्या होना चाहिए, एक एक बात उन्होंने जो पूरा का पूरा उपदेश दिया था, तो एक एक चीज़ को उसी के आधार पर तुम लोग चलते हैं। इसलिए उसको संपूर्ण क्रांति दिवस के रूप में बनाने का सिलसिला हम लोगों ने शुरू किया, और उसी दिन उनके मूर्ति का जो भी हो सकता है, हम लोग उनके सम्मान में सब कुछ ये कार्यक्रम चलाते हैं, कि चूँकि उन्हीं का था, JP का ही था, ये आवाहन था उनका, तो इसलिए हम लोग तो सब दिन याद रखते हैं। और जो बात बोल रहे हैं साल, तो वो अपना ही ना भाई, हम लोग तो उस समय ही ना छात्र जीवन जस्ट खत्म ही हुआ था उस समय, लेकिन उसके जस्ट बाद से ही तो शुरू हो गया था हम लोगों का अभियान, और उसमें फिर JP का नेतृत्व हुआ, तो एक एक चीज़ हुआ है। तो इसलिए हम लोग तो चाहते ही हैं कि जितनी बातें हुई है तो इन सब बातों को लोगों के बीच में रहना चाहिए। और आप अच्छा सुझाव दे रहे हैं कि जब 50 साल पूरा हो तो इसके बारे में कुछ खास होना चाहिए। ज़रूर हम लोग चाहेंगे कि 50 साल पूरा हो तो और सब कुछ खूब अच्छे ढंग से होना चाहिए। आज दिन तो आप जानते ही हैं कि हम लोग तो इन सब चीज़ों के बारे में तो सारी बात करते ही रहते हैं, लेकिन उस दिन तो बाद में ना हुआ, ये विश्व वाला जो भी तो होता है 5 तारीख को, कल पर्यावरण वाला विश्व पर्यावरण दिवस जो मनना शुरू हुआ उस दिन, तो दुनिया भर में चलता है, तो हम लोग भी इसको भी मनाते हैं, लेकिन वो बाद में आया, और ये पहले का जो भी है वो तो पहले से ही है। इसलिए हम लोग तो उन चीज़ों के प्रति कमिटेड हैं, और ज़रूर समाज में एक प्रेम और भाईचारे का भाव होना चाहिए, और सब लोगों को अच्छा काम करना चाहिए, ठीक ढंग से विकास होना चाहिए, लेकिन कोई गलत काम बिना मतलब का नहीं करना चाहिए। तो ये सब तो उनका उपदेश था, और सब कुछ कितना काम हुआ है, सब लोग सीखे हैं, और उनके द्वारा ही सिखाने पर ही तो इतना सीखे हैं, और जो आज तक भी जो काम करने का मौका मिला है तो काम करने की कोशिश करते हैं। अच्छा संयोग है कि 50वां साल जो गोल्डन जुबली ईयर मनाया जाएगा उनका, जरूर जरूर, तो उसमें यह आपने अच्छा सुझाव दे दिया है, आपका सुझाव बहुत ठीक है, बहुत सुंदर सुझाव है, हम लोग जरूर इस पर भी सोचेंगे। ठीक, इसे शुरू ही किया था, लेकिन 50 साल पूरा हुआ तो क्यों नहीं करेंगे। और सब ठीक है ना, सब बुलंद रही है, जैसे कि हेल्थ सेक्टर में आप ऑलरेडी काफ़ी काम हो रही है, मतलब हो रहा है बिहार में, और इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट की काफ़ी जरूरत है, बट वो ऐसा देखा जा रहा है पिछले 2 साल से सर, कि आपने तक मुलाकात भी इंडियन हेल्थ मिनिस्टर से, कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आयुष्मान भारत का फंड ही बिहार का रोक, बिकॉज पुअर परफॉर्मेंस के लिए बिहार का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो मैं ऐसी बात हमारी हुई है जिसमें ये बात नहीं थी, इसमें तो बहुत अच्छी बात है, वो तो जब उनसे मिले हैं तो प्रशंसा कर रहे थे कि बिहार में जो जो काम हुआ, और बात तो होती रहती, और जानते ही हैं कि हम लोग इस मामले में जब से हम लोगों को काम करने का मौका मिला है, किस तरह से लोगों की सुविधा का
ध्यान हम लोगों ने दिया, कितना हॉस्पिटल को बढ़ाया है, कितना ट्रीटमेंट होने लगा, कितने डॉक्टर्स आए हैं, सारा तो शुरू हुआ है। और याद कर लीजिए 2006 से ही, और उसके बाद यहाँ पर भी जिन लोगों का ट्रीटमेंट होता है सरकारी अस्पतालों में, तो उन लोगों के लिए दवा देने का सारा प्रबंध तो जो शुरू किया था हम ही लोगों ने, तो काम तो बहुत ज़्यादा हुआ है। और उसके अलावे जो केंद्र सरकार की तरफ से भी जो योजना चली है उसका लाभ लोगों को मिलता है, और बाकी जो कुछ लोग वैसे बचे हुए तो उनके लिए हम लोगों ने भी सोचा है कि बाकी लोगों को भी वो लोगों के ट्रीटमेंट में जो मदद देने वाला, राशि देने वाला है, वो सब करने का भी हम लोगों ने किया। और याद करिए साथ से भी हम लोग किए हुए हैं पहले से, इसलिए यहाँ पर तो काम बहुत करने की कोशिश होती है। और देख रहे हैं कि कितना मेडिकल कॉलेज भी और बन रहा है, सब कुछ हो रहा है। और जो बात आ रही है कि हर ज़िले में बन जाए, तो धीरे धीरे हम लोग तो आप जानते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज तो हर ज़िले में बना दिए, मेडिकल कॉलेज भी कई ज़िलों में बन गया, लेकिन ये और जगहों पर भी बनेगा, उसके लिए हम लोग सब कुछ करेंगे। तो सारी बात हुई है और ठीक ढंग से बात हुई है कि जितना काम हुआ, और इस कोरोना के दौर में जिस तरह से बिहार में एक एक चीज़ का ध्यान रखा है यहाँ के प्रशासन ने, यहाँ के चिकित्सकों ने, सब मिल करके जो काम किया है, और जितना ज़्यादा आप जानते ही हैं टीकाकरण हो रहा है, टेस्ट भी बराबर हम लोग कर रहे हैं जिस ढंग से, और टेस्ट जितना हो रहा है वो तो देश में जो 10 लाख की संख्या में जितना है हाईएस्ट है बिहार में, तो हर प्रकार से काम हो रहा। सारी बात हुई है डिटेल में, काफ़ी देर तक बैठ करके हम लोग बातचीत करते रहे, सब अच्छी बात हुई। नहीं ऐसा तो हम हमारी नीति कैसी चर्चा नहीं, हमसे जो बातचीत हुई है बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छे ढंग से बातचीत हुई है, और जितना सब कुछ हो रहा है, और जो कुछ भी मान लीजिए कि बिहार के बारे में इतना ज़्यादा हम लोगों ने कोरोना के दौर में कर दिया है, इतना टीकाकरण किया, सब कुछ किया, तो एक फिगर आता है ना कभी कभी दिल्ली के अखबारों में कि बिहार का परसेंटेज कम, तो यहाँ से तो बराबर बताया जाता। कल भी हमने कहा कि आप ज़रा देख लीजिए, बिहार के कुछ लोग बाहर ही रहते हैं, तो वो तो उसको जोड़ करके आप कहिएगा कि यहाँ कम हुआ, वो तो बाहर रह रहे हैं, तो जहाँ बाहर रह रहे हैं वहाँ पर हो रहा है, और यहाँ पर तो जितने लोग हैं जो भी आबादी है सबका हुआ है टिकट। तो ये हम लोग बताते हैं कि इन सब चीज़ों को ज़रा ठीक से आ जाना चाहिए, तो यहाँ पर तो बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है। ये दोनों बात आपको बताया, एक तरफ टीकाकरण भी पूरे तौर पर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ है कि आप हम लोग उसका टेस्ट भी करते हैं, एकदम छोड़ते नहीं अभी भी हम लोग, देख रहे हैं ना फिर बढ़ रहा, बढ़ते बढ़ते तुरंत घटा, फिर देख रहे हैं कि फिर बढ़ रहा। तो हम लोग जितने लोग भी हैं बाहर से आते हैं सबका टेस्ट, और सब लोगों को सलाह भी देते रहते हैं, लगातार दिखवा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर देखिए हेल्थ के मामले में भी पूरे तौर पर है, और एक एक चीज़ का ख्याल, और अब जानते ही हैं कोरोना में जितना डेथ हुआ, तो आज से हम लोग तो शुरू से दे रहे हैं उनको 4 लाख रुपये का उसके परिवार को मदद, और बाद में केंद्र सरकार ने 50,000 रुपये और देने का हुआ तो और एडिशनल कर दिया हम लोग, 4 लाख तो हम लोग कर ही रहे हैं, 50,000 रुपये और भी। तो इसलिए एक एक चीज़ का, और दूसरी बात है आप जानते हैं कि हम लोग बराबर दिखवाते हैं कि कोई आदमी वंचित न रह जाए। आप देखते हैं यहाँ पर भी कितने लोग मिलते हैं, तो एक एक का जाँच करवाते हैं हम लोग, इसलिए उसकी संख्या बढ़वाते हैं। तो हम लोग तो अपने ढंग से जितना संभव है, देखिए बिहार में हेल्थ के मामले में, और कल भी कोई वैसी बात नहीं, यहाँ की बात तो बहुत अच्छी है। तो जो भी है कल के तकरीबन 3,90,000 एकड़ के जमीन है जिसका पता ही नहीं चल रहा है, वो गया उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, उसको लेकर आप नहीं नहीं अगर आप जो विनोबा भावे जी का जो टाइम का जो आंदोलन था, नहीं तो हम लोगों की तरफ से तो आप जानते हैं कि एक एक चीज़ का जिसका आइडिया पहले नहीं था, तो हर चीज़ को उसको दिखवाना, उसको करवाना हम लोग काम कर रहे हैं। और हम लोग जो आप देख रहे हैं कि इस बार जो गन्ना की बात हम लोगों ने की है, जाति आधारित गन्ना की बात की, तो इसके लिए भी फंड का तो अलॉटमेंट किया, और एक एक काम शुरू हुआ। तो हमने तो कह दिया है कि एक महीना पूरी तैयारी में लगेगा, इसके बाद काम शुरू करेंगे हम लोग, और सब के लिए करने वाले हम लोग, तो हर चीज़ के लिए हम लोग पूरा ध्यान दे रहे हैं, और सर्वसम्मति से जो बात हुई उसी पर कर रहे हैं।
तो यहाँ किसी तरह की दिक्कत आएगी ऐसा नहीं मुझको लगता, एकदम कॉन्शस रखे हुए। असामान्य प्रशासन को क्यों लगा दिए, ताकि सारे चीज़ों को और इससे रिलेटेड जितने भी भाग हैं सबको इसमें लगाया जा सकता है, तो आप देखिएगा होगा बहुत अच्छे ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से इसको करवाएंगे। और इसको इसको जिस ढंग से पहले ही से बातचीत कर रहे थे अधिकारियों के साथ, एक मीटिंग तो हम लोग कर चुके हैं, और उसका जब सब मीटिंग हो गई है और कैबिनेट का फैसला हो गया है, तब इस सब लोग उस काम में लगे हैं कि इसको खूब अच्छे ढंग से हम करेंगे, कोई वंचित नहीं रहेगा। और यहाँ के लोग जो बाहर रहते हैं उनके बारे में भी पूरी जानकारी लेकर के उन लोगों का फिगर लेना, एक एक चीज़ को लेना पूरा किया जा रहा है, और बहुत अच्छे ढंग से हम लोग करवाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं उसके बारे में नहीं, कहाँ गए अधिकारी, वो तो कुछ बनाए हैं ना आप लोग, चौधरी साहब मुख्य सचिवपुर से उनके रजिस्टर में कमेटी बनी है, कमेटी बनी है, तो ये लोग भी किए हैं कुछ काम उसके बारे में, उसमें तो जो भी संभव किया जा रहा है उसके बारे में, उन सब चीज़ों का भी तो कर ही रहे। हम लोगों की तो कोशिश होती ही है, लेकिन आप लोग पूछ लेते हैं तो अच्छा काम करते हैं, ये जब पूछ लेते हैं तो पूरा आज ही फिर अब हम शाम में सब चीज़ पूछेंगे। नहीं देख लीजिए भाई कह रहे तो सर्वे का ही पार्ट है, हाँ, सब कुछ सर्वे का सर्वे में सर्वे में सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। क्या ऐसा लगता है कि जो अभी कास्ट सेंसस की बात हो रही है, कास्ट सेंसस की जो बात हो रही है, तो क्या ऐसा लगता है कि आपका जो शुरू से 2005 से चल रहा है एक कंसेप्ट विकास का इंक्लूसिव ग्रोथ होना चाहिए, तो कास्ट सेंसस या कास्ट काउंटिंग जो आजकल हम लोग कर रहे हैं, तो क्या कास्ट काउंटिंग इंक्लूसिव ग्रोथ को और बल देगा, उसको एक्सेलरेट करेगा, ये देखिए अगर ये हो जाएगा तो इसमें कोई भी धर्म का हो, किसी भी जाति के हो, अपर कास्ट हो, बैकवर्ड हो, दलित हो, आदिवासी हो, कोई भी जाति के हो, जब एक एक चीज़ के बारे में पूरी की पूरी जानकारी मिलेगी, और साथ साथ हम लोग आप लोगों को तो बता चुके हैं ये भी चाहेंगे आर्थिक स्थिति, तो कोई भी किसी कम्युनिटी का हो आर्थिक स्थिति की स्थिति, तो उसको और बेहतर कैसे किया जा सकता है, एक एक चीज़ को करेंगे हम लोग बहुत अच्छे ढंग से हर चीज़ को करेंगे। और एक दिन बहुत लोगों की मांग रहती है ना शुरू से कि एक बार होना चाहिए, हम तो शुरू से ही आपको बताते हैं, 90 की कहानी भी बताएं, तो उसी समय से हम लोग इस बात को कह रहे हैं कि एक बार हो जाना चाहिए, ताकि किसी तरह की कोई असुविधा नहीं हो। नहीं तो अगर पूरी बात की जानकारी नहीं रहेगी तो बहुत ऐसे लोग हैं जिनके बारे में जानकारी नहीं रहती है, कोई सफ़र नहीं करे, हर तरह का जो सुविधा देने की बात है तो सब लोगों को जिस जिस तरह की सुविधा सब मिले, और अपनी तरफ से भी हम लोगों का ये प्रयास हो कि सबका विकास ठीक ढंग से हो सके, तो इसको देख करके किया जा रहा है। और ये बहुत देखिए, और जिस ढंग से हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको बार बार कह रहे हैं, वो बहुत अच्छे ढंग से करने की कोशिश होगी, अब तक कहीं से भी कोई चीज़ निग्लेक्ट नहीं, सब तरह की जानकारी हो जाएगी तो अच्छा होगा, उसका फ़ायदा होगा, हम लोग कोई किसी को नेग्लेक्ट करने के लिए नहीं, किसी को उपेक्षा करने के लिए, सब का ध्यान रखने के लिए हम लोग करते हैं। इसमें यहाँ से कोई टीम ली जा रही है तो बाहर जैसे अदर स्टेट्स में जो हुआ है कास्ट, एक बात हम बता देते हैं, ये सब चीज़ तो कहीं का भी जानकारी लोग तो पब्लिश तक नहीं किए बहुत सारा चीज़ को, या मान लीजिए 2010-11 से जो शुरू किया गया केंद्र सरकार के द्वारा वो भी पब्लिश नहीं हुआ, तो इसके पीछे कुछ जानकारी तो आई है ना कि ठीक ढंग से नहीं हुआ, जो हम बार बार ही कह देते हैं कि लोग उपजाति ही खाली बोल दिया, अरे भाई तो उपजाति और नहीं उप जान रहा जाति, अगर बगल वाले को मालूम है तो फिर उसका भी कंसेंट लेके कर देना, तो उसी से तो ठीक से पता चलेगा ना, तो इसलिए यहाँ पर जितना बढ़िया ढंग से किया जाएगा और उसके बारे में काफ़ी चीज़ों को देख करके कि सब के बारे में ठीक ढंग से हो जाए, ये किया जा रहा है, बेहतर ढंग से हो जाएगा। और हम समझते हैं कि बिहार में अगर जो हम लोग जितना सोच रहे हैं और हमारे अधिकारी और सब लोग जो काम करेंगे और सभी पार्टी के लोग इन सब चीज़ों पर ध्यान रखेंगे, तो इसके बाद आप देख लीजिएगा कि यहाँ का इतना अच्छा होगा
हमको तो इच्छा यही है भाई कि खूब अच्छे ढंग से हो जाएगा, तब बाकी लोग भी महसूस करेंगे कि भाई देखो इसको करना है। हम लोग सीमित को तो कर नहीं रहे हैं, सब का कर रहे हैं, इसीलिए ये सब बात है। अच्छा होगा, देखिएगा, लगे हुए हैं अभी एक दो राउंड मीटिंग कर चुके हैं, फिर और करेंगे। मैंने अधिकारियों वाला भी कि तेजी से काम करें, वो लोग भी खोज रहे हैं एक एक तरह के अधिकारी, और इसके लिए जो ठीक ढंग से पीछे के जो जनगणना का काम में लगे रहे हैं, तो जिस तरह से जो उनका अनुभव है वैसे सब लोगों को इंगेज किया जाएगा। अब इसमें जान लीजिए कि कोई काम करने वाला आदमी और कभी मान लीजिए रिटायर हो गया, तो उसके बाद मालूम हुआ कि नहीं बड़ा अच्छा ढंग से काम कर रहा था, तो वैसे लोगों को भी पता करके ये लोग इसके साथ जोड़ेंगे, और जो सरकारी अधिकारी उसको तो जोड़ेंगे, सब तरह से करें, हर तरह से कोशिश होगी भाई, आज जल्दी से जल्दी करनी उसे। हम लोग तो चाहेंगे जल्दी करना, लेकिन अब जो इच्छा तो यही है, लेकिन जब पूरा किया जाएगा तो उसमें कुछ बात सामने आएगी, तो जो भी उचित कार्रवाई होगी करेंगे। मुख्यमंत्री प्रहलाद पटेल ने हाल ही में कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द बनाया जाएगा और संसद में लाया जाएगा जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित विधेयक। देखिए तो ये सब लोगों का व्यू हो सकता है, और आप तो जानते हैं हम आज से बोल रहे हैं, हम कैसे कर रहे हैं जनसंख्या पर 4.3 से लेकर 3 पर लाए, क्या अध्ययन किया आपको मालूम है ना, 12-13 में पूरा का पूरा अध्ययन करके इसको कितना हम पब्लिसिटी किए और कितना एक एक बात की। जैसे ही महिलाएं पढ़ी लिखी रहेंगी तो ये देश भर का अध्ययन किया गया ना।